हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रोफेसर दीपक सैनी। टुडे वी विल डू अनदर फॉर्म दैट इज़ कॉल्ड एज एंटीनिया सोलम। वी आल्सो नेम इट एज एंड पोर्क टे फॉर्म। पोर्क इज़ बेसिकली द मीट ऑफ ए पिग एंड बीफ इज़ ए मीट ऑफ ए काउ, बफेलो, ऑक्स एंड मटन इज़ ए मीट ऑफ गोट एंड शीप। पोर्क जो है हम बोलते हैं सुअर के मीट को। एनिमल जो इंसान जो इसने इन्फेक्टेड पोर्क खा लेता है तो उसको ये टीनिया सोलम उसके इंटेस्टाइन में आ सकता है। तो ये कैसे आता है, अभी हम इसका पूरा लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। ये टीनिया सोलम जो है ये हमारे इंटेस्टाइन में रहता है। इसकी जो लेंथ है 1.8 मीटर से लेकर 4.5 मीटर तक होती है। आप देख रहे हो कितनी बड़ी लेंथ है। जैसे जैसे इसकी एज बढ़ती जाती है इंटेस्टाइन के अंदर, वैसे वैसे इसकी लेंथ भी बढ़ती चल जाती है। इट्स बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इंटू हेड, नेक एंड डेट ऑफ द स्ट्रोबिला। दिस पोर्शन इज द हेड इज देयर which is swollen, knob-like, and this is the unsegmented portion is called neck, and this segmented portion is called strobila. Individual segments of strobila is called proglottid. This is a proglottid is there. This is basically the head. We can also name head as a scolex, S-C-O-L-E-X. It is like the scolex. It has pointed end. This is a slightly raised end is there. This raised end is called rostellum. And it bears two rows of hooks. Total number of hooks is around 22 to 32. With the help of the hooks, they can attach with the wall of the intestine. And these are the suckers. These are the four suckers are there. 1, 2, 3 and one is towards the back side. The uniqueness in this animal is that they lack intestine is there. In this phylum, the first intestine appeared. The phylum Platyhelminthes is that phylum in which the first alimentary canal appeared. But they lack this alimentary canal. They lack intestine is there. We have studied in Faecula Hepatica, we have studied in Dugesia, we have studied in Cystosoma Mansoni that they have alimentary canal, they have intestine, but they lack intestine. They take food from the general body surface. As its body hangs into the lumen of the intestine. Suppose this is the intestine is there, theek hai? ये इसकी जो हेड है इंटेस्टाइन की वॉल के साथ अटैच हो जाता है और बॉडी ऐसे हैंग कर रही होती है इन द ल्यूमन ऑफ इंटेस्टाइन, और ल्यूमन ऑफ इंटेस्टाइन से ये सारा न्यूट्रिशन जो है ये सारे ऑब्जॉर्ब करता रहता है थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस। दिस टाइप इज कॉल्ड न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सेप्रोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। इफ़ आई शो यू द डायग्राम, यू सी दिस इज बेसिकली द tinea solum, you see that scolex, and then unsegmented part is called neck, segmented part is called strobila, and individual part of the strobila, individual segment of the strobila, ye jo ek segment hai, isko main proglottid kehta hu. I name it as an proglottid is there. Agar main iske scolex ko dikhau, ye dekhiye, you see the scolex under electron microscope. This is a raised portion is there. इस रेस पोर्शन को मैं रोस्टलम कहता हूँ। यहाँ पे मैं टू रोज ऑफ हुक्स हैं, या आप देख रहे हो दीज आर द सकर्स विद विच इट अटैचेस। इवन द सकर्स आल्सो हेल्प इन द टेकिंग सर्टन न्यूट्रिशन, वो बॉडी इंटेस्टाइन की वॉल से ले लेते हैं। अगर आप ये देखो कि कैसे ये इंटेस्टाइन की वॉल है, ये देखो उसने इंटेस्टाइन की वॉल बताई है और कैसे ये इंटेस्टाइन की वॉल के साथ जुड़ जाता है और उसकी पूरी बॉडी हैंग करती है इन द ल्यूमन ऑफ द इंटेस्टाइन। तो ये हमने देख लिया। अब इसके अंदर अगर हम देखें कि ये जो है दिस इज एन इमेच्योर प्रोग्लॉटिड्स के अंदर ओनली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं होते। देन कम्स द मेच्योर प्रोग्लॉटिड विच इज हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इमेच्योर प्रोग्लॉटिड्स जो होते हैं 200 नंबर के होते हैं, 200 नंबर्स होते हैं, ये ब्रॉडर ज़्यादा होते हैं, चौड़ाई में ज़्यादा होते हैं, लंबाई में थोड़े से कम होते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया ये एनिमल प्रोटेंड्रस होता है कि इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहले डेवलप होता है, तो इमेच्योर प्रोग्लॉटिड्स में आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखेंगे क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहले आ जाएंगे। फिर फीमेल आ जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ जाते हैं, पहले मेल बन चुके हैं, जब फीमेल भी बन जाते हैं तो हम उसको कहते हैं मेच्योर प्रोग्लॉटिड। मेच्योर प्रोग्लॉटिड के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों देखने को मिलते हैं, इसलिए ये एनिमल हर्मेफ्रोडाइट है, मोनोशियस है, और ये एनिमल सेल्फ फर्टिलाइजेशन करता है। और मेच्योर प्रोग्लॉटिड्स का अगर हम देखें तो ये मोर ऑर लेस क्योर नेचर का होता है,
इसका जो प्रोग्लॉटिट है मोर और लेस क्योर का आता है। लास्ट में जो प्रोग्लॉटिट्स होते हैं, जो लंबाई में ज़्यादा होते हैं चौड़ाई में कम होते हैं, इसको हम ग्रेविड प्रोग्लॉटिट्स कहते हैं। इसमें सिर्फ यूट्रस ही रहती है, वो अभी मैं आके बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये बॉडी वॉल है, इसके बाहर क्यूटिकल है, उसके बाद मसल्स हैं, देन पेरेन्काइमा आ जाता है। एक्सक्रीशन इसमें फ्लेम सेल से चलती है। ये इसका बेटा एक मेच्योर प्रोग्लॉटिट का डायग्राम है, इसमें न्यूमरस टेस्टिस आर देयर, कई सारे टेस्टिस हैं। टेस्टिस से निकलती है वास एफरेंशिया, वास एफरेंशिया आपस में जुड़ के बनाती है वास डेफरेंस, एंड वास डेफरेंस ओपन आउट बाय द जेनिटल पोर, जेनिटल पोर एंड टिप ऑफ द वास डेफरेंस इज कॉल्ड सिररस, टिप ऑफ द वास डेफरेंस इज कॉल्ड सिररस। देखो कई सारे इसमें टेस्टिस हैं, टेस्टिस से निकलती है वास एफरेंशिया, ये वास एफरेंशिया आपस में जुड़ के ओपन करते हैं टू वास डेफरेंस, एंड वास डेफरेंस बाहर ओपन करती है थ्रू द जेनिटल पोर। उसी तरह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक ही ओवरी होती है, देयर इज ए सिंगल ओवरी जो कि दो में डिवाइड हुई होती है, ठीक है। यहाँ से जेनिटल पोर से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर चलता है जिसको मैं वेजीना कहता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा स्वेल करता है जिसको मैं सेमिनल रिसेप्टिकल कह लेता हूँ, फिर ये आगे जो है दिस इज़ ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज़ देयर, ठीक है। और ये एक कॉमन सा चैम्बर है, वहाँ पे आके खुलती है। नीचे विटलाइन ग्लैंड है, उसकी भी डक्ट यहाँ पे आके खुलती है, ठीक है ना। और ये ओविडक्ट है, ये भी आके आके खुलती है। और ये दिस इज़ द यूट्रस, ये भी इसी पॉइंट पे आके खुलता है। ये जो कॉमन पॉइंट बनता है जहाँ पे वेजीना भी आके खुल रही है, ओविडक्ट भी आके खुल रहा है, और ये नीचे क्या है, दिस इज़ द विटलाइन ग्लैंड, ये नीचे क्या है विटलाइन ग्लैंड, ये क्या है दिस इज़ द विटलाइन डक्ट, ये भी इसी पॉइंट पे आके खुल रही है। इसी पॉइंट पे आके ओविडक्ट भी खुल रही है, वेजीना भी खुल रही है, विटलाइन ग्लैंड की डक्ट भी खुल रही है, और यूट्रस भी खुल रहा है। इस पॉइंट को हम बोल देते हैं ऊ टाइप, इस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं ऊ टाइप कह देते हैं, ऊ टाइप, ओ डबल ओ टी आई पी लिखा हुआ है, ऊ टाइप इज देयर। अब क्या होता है कि एग यहाँ से ऊ टाइप में आ जाता है, स्पर्म भी यहाँ पे आ जाता है, ठीक है ना, और फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जाइगोट बन जाता है, और जाइगोट के आसपास योग सेल आ जाते हैं। योग सेल कौन सीक्रेट करेगा, विटलाइन ग्लैंड, और उसके आसपास एक वॉल्व बन जाती है, तो कैप्सूल बन जाता है, कैप्सूल इज फॉर्म, और वो जो कैप्सूल है यूट्रस के अंदर डाल दिए जाते हैं। कैप्सूल जो है अल्टीमेटली यूट्रस के अंदर भेजते रहते हैं, भेजते रहते हैं, ठीक है ना। इन दिस वे लार्ज नंबर ऑफ कैप्सूल जो हैं वो यूट्रस के अंदर चल जाते हैं, और जैसे जैसे कैप्सूल यूट्रस के अंदर जाते जाते हैं, ठीक है ना, जैसे जैसे कैप्सूल यूट्रस के अंदर जाते जाते हैं, तो यूट्रस जो है उसकी ब्रांचिंग आनी शुरू हो जाती है, यूट्रस की जो है ब्रांचिंग आनी शुरू हो जाती है, और वो इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है ना। यूट्रस की ब्रांचिंग आनी शुरू हो जाती है, और जो ऐसे ब्रांचिंग आनी शुरू होगी, धीरे धीरे क्या होता है कि वो मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं, और सिर्फ यूट्रस ही रह जाती है और उसकी ब्रांचिंग। और इस यूट्रस के अंदर ये गोल गोल क्या है, ये कैप्सूल है एक ग्रे, और ये इस टाइप के प्रोग्लॉटिड को मैं कहता हूँ ग्रेविड प्रोग्लॉटिड। ग्रेविड प्रोग्लॉटिड आर दोज प्रोग्लॉटिड विच इज़ हैविंग ओनली द ब्रांच्ड यूट्रस विद कैप्सूल, एंड इसमें जो ब्रांच होते हैं 7 से लेकर 13 तक ब्रांचिंग आती है। जैसे यहाँ पर बनाई मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक बनाई हैं, 7 to 13 तक ब्रांचिंग चलती है, इसके अंदर ये सारे कैप्सूल हैं, ठीक है। अब होता क्या है बेटा, हर रोज नेक से 6 से 7 सेगमेंट नए बनते रहते हैं, वो नीचे 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 जाते जाते हैं, और नीचे पहुँचते पहुँचते तक वो ग्रेविड प्रोग्लॉटिड बन जाते हैं। मैंने बताया सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है, ये स्पर्म, इसी के स्पर्म यहाँ पे वेजीना में डाल दिए जाते हैं, वेजीना से ये सेमिनल रिसेप्टिकल में, सेमिनल रिसेप्टिकल से ऊ टाइप में आते हैं, उधर से ओवरी एग प्रोड्यूस करती है, वो भी ऊ टाइप में आती है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जाइगोट बन जाता है, जाइगोट के आसपास योग सेल आ जाते हैं, कैप्सूल बन जाता है, कैप्सूल को यूट्रस में भेजते रहते हैं, ऐसे यूट्रस की भी फिर ब्रांचिंग आनी शुरू हो जाती है। फिर जब यूट्रस की 7, 8, 10 तक ब्रांचिंग आ जाती है, तब तक मेल रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ख़त्म हो जाता है, और वो वाला प्रोग्लॉटिड जिसमें सिर्फ, जो कि लास्ट में होता है, जिसमें सिर्फ ये ब्रांचिंग ऑफ द यूट्रस है विद कैप्सूल है, इसको मैं ग्रेविड प्रोग्लॉटिड कहता हूँ। ये ग्रेविड प्रोग्लॉटिड लास्ट से टूट जाता है, मेन बॉडी से अलग हो जाता है। शेडिंग ऑफ द ग्रेविड प्रोग्लॉटिड को हम एपोलाइसिस भी कहते हैं, वी ऑल्सो नेम इट एज एन एपोलाइसिस। वॉट इज एपोलाइसिस, डेट इज द शेडिंग ऑफ
SHEDDING, shedding of gravid proglottid, proglottid, ठीक है ना। अब ये proglottid कहाँ पे गिरेगा, हमारे ल्यूमन ऑफ द इंटेस्टाइन में गिरेगा, ठीक है ना। वही अगर किसी पर्सन के अंदर ये टीनिया सोलम है, वो अगर वो फीकल मैटर ओपन में डिस्चार्ज करता है तो फीकल मैटर के अंदर कैप्सूल आ जाते हैं, कैप्सूल अंदर अपनी डेवलपमेंट शुरू कर देते हैं, और जब कैप्सूल डेवलपमेंट कर देते हैं उसके अंदर जो कैप्सूल के अंदर जो जाइगोट है वो अपनी डेवलपमेंट शुरू कर देता है, ठीक है ना। तो जाइगोट एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है जिसके अंदर ऐसे 6 spines होती है। मैंने क्या बताया, ये कैप्सूल के अंदर क्या है, जाइगोट है। जाइगोट अपने साथ ही डेवलपमेंट शुरू कर देता है, डिवाइड करना शुरू कर देता है, और अल्टीमेटली एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें 6 spines होती हैं, 6 spines, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 spines होती हैं। फिर एक इनर मेम्ब्रेन होती है जो कि हार्ड हो जाती है, जिसको मैं एम्ब्रियोस्फीयर भी कह देता हूँ। फिर एक आउटर मेम्ब्रेन बनती है, फिर ये तो कैप्सूल की तो मेम्ब्रेन है ही है, ठीक है ना। तो ये वो जो स्ट्रक्चर बनता है जिसको मैं कहता हूँ ऑन्कोस्फीयर। ऑन्कोस्फीयर में क्या होता है, 6 rays, 6 ऐसे ना, ये 6 spiny स्ट्रक्चर होता है जिसको मैं कहता हूँ हेक्साकैंथ। मैंने कहा जाइगोट अपनी डेवलपमेंट शुरू कर देता है, जाइगोट डिवाइड करेगा और उसमें फिर ये ऐसे 6 spine स्ट्रक्चर बनती है जिसको मैं कहता हूँ हेक्साकैंथ। जाइगोट में 6 spine स्ट्रक्चर्स बनती है जिसको मैं कहता हूँ हेक्साकैंथ। हेक्साकैंथ के बाद इनर लेयर होती है जो कि हार्ड होती है, जिसको मैं कहता हूँ एम्ब्रोस्फियर। फिर उसके बाद आउटर लेयर होती है, उसके बाद फिर कैप्सूल की लेयर आती है। तो वो कहता है हेक्साकैंथ विद एम्ब्रियोस्फियर आउटर मेम्ब्रेन एंड कैप्सूल इज कॉल्ड एज एन ऑन्कोस्फियर, ठीक है ना। जब तक ग्रेविड प्रोग्लॉटिड अलॉन्ग विद द फीकल मैटर बाहर आता है, उस ग्रेविड प्रोग्लॉटिड के अंदर क्या होते हैं, ऑन्कोस्फियर्स होते हैं। ग्रेविड प्रोग्लॉटिड के अंदर क्या होते हैं, ऑन्कोस्फियर्स होते हैं। ऑन्कोस्फियर्स पता लग गया, मैंने आपको बताया जाइगोट ने अपनी डेवलपमेंट शुरू कर दी, ठीक है, और उसने ऐसे 6 spines बनाई, फिर एक इनर लेयर बनाई जो कि थिक हो जाती है जिसको मैं एम्ब्रियोस्फीयर भी कह देता हूँ, फिर एक आउटर लेयर बनाई, फिर एक बाहर तो कैप्सूल की लेयर चलेगी। ये हेक्साकैंथ, हेक्साकैंथ हो गया जाइगोट विद 6 rays, ठीक है ना, 6 spines। फिर उसके बाद इनर लेयर एंड आउटर लेयर प्लस कैप्सूल लेयर, इसको हम ऑन्कोस्फियर कह देते हैं। जब तक जो ग्रेविड प्रोग्लॉटिड फीकल मैटर से बाहर आता है तो उस ग्रेविड प्रोग्लॉटिड में ऑन्कोस्फियर होते हैं। अब जैसे ही फीकल मैटर बाहर आता है तो बाहर का टेम्परेचर ठंडा होता है, तो जिससे ग्रेविड प्रोग्लॉटिड स्क्वीज करते हैं और ये ऑन्कोस्फियर बाहर आ जाते हैं, ठीक है ना। बाहर मतलब फीकल मैटर ग्रेविड प्रोग्लॉटिड से बाहर आ जाते हैं, और ये जैसे फीकल मैटर है तो यहाँ पे ये सारे ऑन्कोस्फियर पड़े हैं। मान लो पिग ने ये फीकल मैटर खा लिया, पिग आपको पता है फीकल मैटर खाता है, तो जैसे वो पिग उसको फीकल मैटर खाएगा तो उसके अंदर, अभी आप बताते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर ऑन्कोस्फियर चल जाएगा, ठीक है ना। ये इन्फेक्टेड स्टेज फॉर ए पिग इज ऑन्कोस्फियर, ऑन्कोस्फियर उसके इंटेस्टाइन में चल जाएगा। जैसे उसके इंटेस्टाइन में जाएगा तो जो ऑन्कोस्फियर की कैप्सूल की वॉल, आउटर वॉल और जो इनर वॉल थी वो सारी डिसॉल्व हो जाएंगी। कैप्सूल की ये जो है, आपने देखा कैप्सूल की वॉल, आउटर वॉल, इनर वॉल सब डिसॉल्व हो जाएगी, सिर्फ ये एक हेक्साकैंथ फ्री हो जाएगा। हेक्साकैंथ जो है ना फ्री हो जाएगा। मैंने आपको बताया ना जाइगोट ने आगे डेवलपमेंट कर ली, जाइगोट ने एक 6 spiny स्ट्रक्चर बनाया जिसको मैंने कहा हेक्साकैंथ। उसके बाद इनर लेयर आई जो कि थिक थी, उसके बाद फिर आउटर लेयर आई, ठीक है ना, उसके बाद कैप्सूल की लेयर आई। जब ये इंटेस्टाइन में जाएगा पिक की, तो स्टोमिक को पार करेगा, स्टोमिक को पार करके इंटेस्टाइन में जाएगा। जब वो स्टोमिक में जाता है तो स्टोमिक में एंजाइम्स वगैरह होते हैं जो इसकी वॉल को सब खत्म कर देते हैं, कैप्सूल की वॉल भी खत्म, आउटर मेम्ब्रेन भी खत्म, इनर मेम्ब्रेन भी खत्म, और हेक्साकैंथ फ्री हो जाता है। अब हेक्साकैंथ क्या करता है, स्पाइन के साथ इट पियर्स द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन ऑफ पिग एंड एंटर्स इनटू द ब्लड एंड देन रीचेस द मसल्स, उसके जो फोर लिम्स और हाइंड लिम्स के मसल्स में चल जाता है। वहाँ जाके वो अपनी हुक्स को लूज कर देता है और उसके अंदर एक फ्लूइड डेवलप हो जाता है। इट डेवलप्स ए फ्लूइड फिल्ड कैविटी। क्या हुआ कि इसने, अब ये जब हम आगे इसमें देखेंगे तो इसने सारे अपने जो 6 spines थी लूज कर दी, इसके अंदर फ्लूइड फिल्ड कैविटी आ जाती है। तो फ्लूइड फिल्ड कैविटी आ जाती है, तो अब मैंने कहा ना कि ये ब्लड में आ गया, ब्लड से चलते चलते उसके मसल्स में एंटर कर जाएगा, ठीक है ना। क्या बताया कि जब जैसे ही ऑन्कोस्फियर पिक की इंटेस्टाइन में आया, स्टोमिक को पार किया, तो उसकी ये आउटर लेयर, ठीक है ना, कैप्सूल की वॉल, आउटर लेयर और इनर लेयर सब शेड होगी, हेक्साकैंथ फ्री हो गए। हेक्साकैंथ ने विद द हेल्प ऑफ द स्पाइन इंटेस्टाइन की वॉल को
पियर्स किया, किसकी इंटेस्टाइन, पिग की, पियर्स करके ब्लड में आ गया, ब्लड से वो मसल्स में चला गया, ठीक है ना, ब्लड सर्कुलेशन मसल में सेटल हो जाता है, वहाँ पे जाके वो अपनी जो है स्पाइंस को लूज कर देता है और उसके अंदर फ्लूइड फिल्ड कैविटी आती है जिसको मैं बोलता हूँ ब्लैडर वॉर्म और सिस्टी सर्काई। और जिस साइड मैंने आपको बताया कि वो स्पाइंस होती हैं उसकी ऑपोजिट साइड एक ऐसे इन्वेजिनेशन आती है और एक ऐसे प्रोस्कॉलेक्स बन जाता है, एक इन्वेजिनेशन आती है और एक ये प्रोस्कॉलेक्स बन जाता है, तो हम कहते हैं सिस्टी सर्काई विद ए प्रोस्कॉलेक्स, जो कि इन्फेक्टेड स्टेज होती है, जो कि एक इन्फेक्टेड स्टेज होती है, सिस्टी सर्काई विद ए प्रोस्कॉलेक्स इज एन इन्फेक्टेड स्टेज इज देयर, ठीक है ना, ये जो है सिस्टी सर्काई विद इन्फेक्टेड स्टेज इज ए एक इन्फेक्टिव स्टेज जो है जिसको हम नाम लेते हैं, ठीक है ना, इन्फेक्टिव स्टेज को नाम लेते हैं। एक ऑन्कोस्फियर को 4 महीने लग जाते हैं एक इन्फेक्टिव स्टेज में आने में, जब ऑन्कोस्फियर पिग के अंदर गया और एक सिस्टी सर्काई बनी विद प्रोस्कॉलेक्स, उसमें 4 महीने लग जाते हैं, और ये जो सिस्टी सर्काई है अब मसल्स में रहता है और दे कैन लिव देयर अप टू 5 to 6 years। और जिस जगह पे ये सिस्टी सर्काई देखने को मिलते हैं वो मीट जो होता है थोड़ा सा पिंक कलर का दिखता है, जिसको हम बोल देते हैं मीसली पोर्क, ठीक है ना, जिसको हम बोल देते हैं मीसली पोर्क इज देयर, मीसली पोर्क कहा जाता है। और ये देखा गया कि आधे ग्राम मीट में इवन 3000 तक सिस्टी सर्काई देखने को मिल जाती हैं, 3000 तक सिस्टी सर्काई देखने को मिल जाती हैं। मैंने आपको बताया ये ऑन्कोस्फियर से ये दिस इज ये स्टेज क्या है, सिस्टी सर्काई विद प्रोस्कॉलेक्स, पहले बनी थी ब्लैडर वॉर्म बना था, अंदर फ्लूइड ही था, अब ये सिस्टी सर्काई विद प्रोस्कॉलेक्स इज एन इन्फेक्टिव स्टेज, इट इज़ एन इन्फेक्टिव स्टेज कहते हैं, इन्फेक्टिव स्टेज इज देयर, ठीक है। इसको यहाँ से बनने में इसको तीन से चार महीने लग जाते हैं और ये 5 से 6 साल तक वायबल रहता है, और जिस जगह पे ये होते हैं तो वो मीट थोड़ा पिंक कलर का दिखता है, जैसे ये मीट का पीस है तो अगर वहाँ पे सिस्टी सर्काई होंगे तो वो थोड़ा सा पिंक कलर का दिखता है, इसको बोलते हैं मीसली पोर्क। तो मान लो किसी ने वो वाला पोर्क खा लिया, प्रॉपरली कुक नहीं किया, या तो बड़े हाई टेम्परेचर पर कुक हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, जैसे ही वो अगर ऐसे ही प्रॉपरली कुक नहीं है तो वो अगर कोई खा लेता है तो जैसे ही वो मीट का पीस अंदर जाएगा, मीट का ये तो मीट के पीस के अंदर है ना, दिस इज ऑल इन द मसल फाइबर, ये तो मीट के पीस के अंदर है, ये कोई मीट का पीस है उसके अंदर है, ठीक है ना, ये मान लीजिए मीट का पीस है, और मैंने आपको बताया आधा केजी मीट के अंदर 3000 तक सिस्टी सर्काई हो सकते हैं, जैसे ही ये मीट के फाइबर डिजेस्ट होंगे तो ये ऐसे जो प्रोस्कॉलेक्स है बाहर निकलाएगा और वो इंटेस्टाइन की वॉल के साथ अटैच हो जाएगा और बस अपना ग्रो करना शुरू कर देगा, ठीक है। इससे बीमारी हो जाती है जिसको बोलते हैं टीनिएसिस, इसमें डायरिया, ठीक है ना, वॉमटिंग, नौसिया, वीकनेस, क्योंकि न्यूट्रिशियस डाइट आप खा रहे हो लेकिन आपके तो अब्जॉर्ब भी नहीं हो रही, यही खाई जा रहा है, इसका नंबर बढ़ता जाता है, इसकी लेंथ बढ़ती चल जाती है, ठीक है ना, तो इस तरह फिर वो पेट में दर्द रहना। और इसिनोफिल, आपको पता है कि WBC में एक होते हैं सीनोफिल, EOSINOPHIL, इसिनोफिल का जो नंबर है वो एकदम बढ़ जाता है, इसिनोफिल का जो नंबर है वो इसमें बहुत एकदम बढ़ जाता है, जिसको हम कहते हैं सीनोफीलिया। जब भी वो डॉक्टर ना ब्लड टेस्ट करता है, जब ब्लड टेस्ट करता है तो इसिनोफीलिया आ जाए, इसिनोफिल का नंबर बहुत बढ़ जाए, इसिनोफीलिया एज ए टाइप ऑफ WBC होते हैं, तो उसको शक लगता है कि ये हेलमिंस, जब भी कोई हेलमिंस की इन्फेक्शन होगी ना, जब भी कोई हेलमिंस की इन्फेक्शन होगी अगर ह्यूमंस के अंदर, तो उसके अंदर इसिनोफिल का नंबर जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है ना, पेट दर्द रहना, वॉमटिंग वाला मन होना, वॉमटिंग आ जाना, ठीक है ना, उसके बाद वीकनेस रहना, तो ये इसके सिम्टम है, ठीक है, यहाँ तक मैंने करा दिया आपको।